हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेव एजुकेशन. सो ऑल दी होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स NCHMCET JEE 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. बहुत बड़ी अपडेट आ गई है एग्जामिनेशन डेट्स को लेके. नोटिफिकेशन आउट हो गई है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स रिलीज़ हो गई है. 2024 का ऑफिशियल NCHMCET JEE का ब्रोशर भी आउट हो गया है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करने वाला है. सो यस, आप इजीली अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं एंड आगे प्रिपरेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं. सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए. एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी NCHMCET JEE 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाला है. So yes guys, before we begin, we have an important announcement to put forward that all the hotel management entrance related videos will be only available on Maneuver Hotel Management Entrance channel. Till then, subscribe kar lo and make sure to follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well. We've also launched the batches for the NCHMCET JEE and other hotel management entrance preparation. Agar aap specifically NCHMCET JEE 2024 ke liye prepare kar rahe ho, batches launched hai, yahan pe apni complete preparation ho jayegi. You get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. Simply aap live class ke liye join karna chahte ho to hume call kar sakte ho 8828581455 pe. And classroom coaching ke liye you all can simply visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and our Pune center is also coming soon. सो यस, देख लेते हैं कि अपडेट क्या आई है एंड फॉर्म फिल कैसे करना है. तो सबसे पहले यार जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, विच इज़ NCHMCET ऑफिशियल वेबसाइट. सो यू हैव टू विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विच इज़ NCHM.gov.in. एंड आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आउट हो गई है विच सेज एडमिशन टू 3 ईयर BSc 2024 अप्लाई ऑनलाइन बिटवीन फेब्रुवरी एंड मार्च. आपकी एग्जामिनेशन जो है वो 11th of May 2024 एंड आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है NTA के द्वारा. तो सिंपली आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट पब्लिक नोटिस रिलीज़ हो गई है अबाउट लॉन्चिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ NCHMCET JEE. यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी विद रिगार्ड्स टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स. सो डिटेल्स आर स्टेटस एज फॉलोज. आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है CBT मोड में होने वाली है विच इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. एंड इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया की टॉप IHMs में जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर. सो आपकी जो एग्जामिनेशन है होने वाली है 11th of May 2024 सैटरडे के दिन. टाइमिंग्स आपकी एग्जामिनेशन की रहने वाली है दैट इज़ 9 AM to 12 PM. मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. आपकी जो एप्लीकेशंस है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी है 9th February 2024 एंड लास्ट डेट इज़ 31st March 2024. लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन इज 31st March 2024. इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ आपको ये टाइमिंग्स नोट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट अगर आप किसी वजह से एकदम डेडलाइन तक अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करते हो सो आपको यहाँ पे जो है टाइमिंग का भी ध्यान रखना है. बट आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है अपना फॉर्म फिल करने के लिए. सो अपना फॉर्म फिल करो आराम से, मेक श्योर एकदम डेडलाइन तक वेट मत करना. उसके बाद जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन अप होने वाली है वो होगी 2nd of April 2024 एंड दिस विल लास्ट टिल 5th of April 2024. एंड देन उसके बाद मई में जो है आपके एग्जामिनेशन होने वाला है. इसके अलावा अगर आपको एलिजिबिलिटी मार्किंग स्कीम मीडियम सिलेबस फी एग्जामिनेशन रिजर्वेशन को लेके कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप सिंपली जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जाके चेक कर सकते हो. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी विच इज़ दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. यू ऑल कैन सी NCHMCET JEE 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. यहाँ पे आप जिस भी बारे में जानना चाहते हैं, फिर वह चाहे आपकी एलिजिबिलिटी हो, रिजर्वेशन हो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सारी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर ब्रोशर के थ्रू मिल जाएंगे. इसके अलावा हमने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाई है हमारे चैनल पे जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद रिगार्ड्स टू सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल दी अदर थिंग्स. बात करें अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की, सो अगर आप यहाँ पे जनरल OBC कैटेगरी में आते हो, मेल के लिए फ़ीस इज़ एप्लीकेशन फ़ीस इज़ 1000 रुपीज़ एंड फीमेल के लिए भी 1000 रुपीज़. फॉर जनरल EWS मेल 700, फीमेल 700 इज द एप्लीकेशन फ़ीस. फॉर SC ST PWD
मेल कैंडिडेट के लिए फीस इज़ रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 450, फॉर फीमेल इट इज़ 450, फॉर थर्ड जेंडर इट इज़ 450। सो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल्स जो आपको फ़ी पे करनी होगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। सो आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो NCHM क्लिक ईयर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इस लिंक पर यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तीन स्टेप में जो आपकी एप्लीकेशन डिवाइडेड है, जहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, देन आप जो है फॉर्म फिल करोगे एंड देन आपकी एग्जामिनेशन फ़ी आप पे करोगे। सो अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, अब तक रजिस्टर नहीं किया है, सो आपको इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू रजिस्टर करना है। बट अगर आप रजिस्टर कर चुके हो सो यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे करने वाले हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यो। सो यहाँ पे आपको अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, जो कि हमने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कशन किया था, उसकी भी डिटेल ब्रेकअप आपको यहाँ मिल जाएंगी एंड बाकी सारे जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉर्म फिलिंग करने से पहले समझ लेने बहुत ज़रूरी है। स्टेप वन में आप फॉर्म फिल करोगे, अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड यूजिंग द सेम ईमेल आईडी व्हिच यू हैव यूज्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर NCHMCET JEE 2024 पोर्टल। आप फॉर्म फिल करोगे, फोटोग्राफ अपलोड करोगे, सिग्नेचर एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करोगे। उसके अलावा आपको फ़ीस पे करनी है पेमेंट गेटवे के थ्रू, जो कि आप कर सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ये सारे ऑप्शंस के द्वारा। यहाँ पे पासवर्ड को लेके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, दैट पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड अपना रीसेट करना चाहते हो तो आप ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हो। मेक श्योर दैट आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड कर लो एंड देन आप आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे टिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक टू प्रोसीड पर स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, आपकी प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन। सो वन बाय वन इसको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। सो सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, विच इज़ योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आपको आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, जेंडर, योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देन अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो ऐड करना है, आइडेंटिटी टाइप आप क्या यहाँ पे अपलोड करने वाले हो, वोटर आईडी, राशन कार्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर दैट आप जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यहाँ डाल रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए, सो दैट किसी भी तरीके की अपडेट्स, OTPs के लिए आप इजीली एक्सेस इन क्रेडेंशियल्स को एंड इन कॉन्टैक्ट नंबर्स को कर सको, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। देन यू हैव टू ऐड योर प्रेजेंट एड्रेस, विच इंक्लूड्स योर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको ऐड करनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस से सेम है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, बट अगर डिफरेंट है तो आपको एक डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ ऐड करना होगा, जहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग होगा एंड आपका परमानेंट एड्रेस अलग होता है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन सिंपली एंटर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन, देन यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट ऑप्शन। नेक्स्ट यू विल हैव टू रिव्यू द फॉलोइंग डिटेल्स वेरी केयरफुली एंड इफ यू वुड लाइक टू चेंज any particulars entered you may do by pressing the edit registration form button or press on submit and send OTP। so जो भी details आपने fill की है form registration के time पे आपको यहाँ पे अब review के लिए visible हो जाएगी, सारी details आपको check कर लेना है and then उसके बाद जो है आप submit कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई edit करने हैं, changes करने हैं, so आप edit registration form के option पर जाके changes कर सकते हो। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस पे चेक करना है, टिक करना है, अगर आपके जो डिटेल्स है वेरीफाइड है, आपको लगता है आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, फॉर्म प्रॉपर से फिल किया है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कंप्लीट किया है, देन ये सारे ऑप्शंस आप टिक कर लो। इससे ये होगा कि आप वेरीफाई कर लोगे दैट आपके सारे डिटेल्स जो है करेक्ट फिल हुए हैं। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन, मेक श्योर यू रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन अगर आपको एडिट करना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाके कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या फिर आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पे, इसलिए आप जो भी मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेक श्योर दैट वो एक्टिव रहे, सो दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट OTPs वहीं पे रिसीव होने वाले हैं।
सो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आ जाएगा. दैट्स व्हाई आई सेड कि जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आप जो भी ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने वाले हो वो एक्टिव होना चाहिए, सो दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट ओटीपीज एंड नोटिफिकेशंस उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर या कम्युनिकेशन ईमेल पर रिसीव हो जाएंगे. सो यहाँ पे आपको आपका ओटीपी ऐड करना है जो आपको ईमेल पर रिसीव हुआ है, एंड देन सिक्योरिटी पिन ऐड करनी है यहाँ पर. वंस देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन ऑप्शन. सो येस, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बिन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस. प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल विच इज़ दिस एंड यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कम्प्लीट योर एप्लीकेशन. इफ़ नॉट रिसीव्ड, मेक श्योर डेट आप आपका जो स्पैम है या जंक फोल्डर चेक कर सकते हो. सो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर ऐड करना है जो आपको ईमेल पे रिसीव हुआ है. सो आफ्टर एडिंग ऑल दीज डिटेल यू विल सिंपली क्लिक ऑन द लॉग इन ऑप्शन. आफ्टर दैट यू विल एबल टू सी दिस पर्टिकुलर इंटरफेस जहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है, कम्प्लीट है. नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड आपको फ़ी पेमेंट करनी है. सो स्टार्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म. सो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट कर लेते हैं. सो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हमने रजिस्टर करने के टाइम फिल की थी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड आ जाएगी, सारी डिटेल्स फिल्ड आ जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल्स ऐड की हुई थी. आपको सिंपली यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड डालना है एंड आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है. नेक्स्ट यहाँ पे आपका कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा. सो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, आपको सिंपली उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करना है. आर यू अ PWD कैंडिडेट? इफ़ येस देन 40% और मोर का ऑप्शन आपके आ जाता है यहाँ पे. लेस देन 40% हैविंग अ लिमिटेशन इन राइटिंग अंडर सेक्शन. इनमें से जिस भी ऑप्शन के सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आपके पास एंड एक्यूरेट है, सो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे येस का ऑप्शन चूज़ करते हो तो यहाँ पे अगेन कुछ ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं विच सेज अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. आपको जिस भी तरीके की डिसेबिलिटी है आप यहाँ पे से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, डू यू नीड अ स्क्राइब, परसेंटेज डिसेबिलिटी एज इनपुट, आर यू डायबिटिक, एनुअल इनकम एंड बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी. सो अब अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हो सो यस आप उसका ऑप्शन सिलेक्ट करके फर्दर डिटेल्स अपने हिसाब से फिल कर सकते हो. आर यू डायबिटिक? इफ़ येस देन यू कैन क्लिक ऑन येस, इफ़ नो देन यू हैव सिंपली क्लिक ऑन नो. एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेना है आपको. आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट? योर प्लेस ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, टाउन और सिटी. वेदर इंग्लिश इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 12th, बिकॉज येस ये एक मैंडेटरी है, होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू फिल द फॉर्म. Type of institution, whether it was government school, private and aided, and आपको यहाँ पे verification code add करना है. Simply आपको declaration पे यहाँ पे click कर लेना है and save and next. Next यहाँ पे आपको है जो आपका आधार कार्ड का number add करना है, तो आप यहाँ पे option yes कर सकते हो अगर आपका आधार कार्ड number है. अगर आपके पास नहीं है तो आप simply no पे click कर सकते हो. जैसे आप yes पे click करोगे यहाँ पे again कुछ options हो जाते हैं जहाँ पे अपनी details आप एक बार verify कर लोगे. एंड अगर आपकी डिटेल्स जो है आधार कार्ड पे एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे सेम नहीं है या फिर आप अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो शेयर नहीं करना चाहते, वो हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. देन अगेन एक वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है. सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे आई एग्री पे, डिक्लेरेशन पे, देन सेव एंड नेक्स्ट. उसके बाद आपको आपके एग्जाम सेंटर डिटेल्स ऐड कर लेनी है यहाँ पे. यू आर अप्लाइंग फॉर HHMCT JEE 2024. आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश. जिस भी मीडियम में आप पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो. योर फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट एंड इसी तरह से फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी. देन सिमिलरली आप करोगे सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस. देन यू विल हैव टू ऐड योर फादर्स एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सिमिलरली मदर्स एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन. सिंपली ऐड द वेरीफिकेशन कोड. आपको सिंपली यहाँ अगेन डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट. देन योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, योर कोर्स स्ट्रीम, योर बोर्ड नेम, योर स्कूल नेम. सिमिलरली आपकी 12th क्लास की डिटेल्स आपको ऐड करना है. ऐड द सिक्योरिटी कोड एंड डिक्लेरेशन पर क्लिक करके एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेना. क्वालिफिकेशन जो कि आपकी 10th एंड 12th की डिटेल्स, जिसमें आपको सिंपली आपका पास स्टेटस डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, योर कोर्स स्ट्रीम, बोर्ड नेम, स्कूल नेम एंड एड्रेस, रिजल्ट, मोड वेदर इट इज इन परसेंटेज और CGPA फॉर्मेट, एंड देन योर फाइनल टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड. आफ्टर दैट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे. डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो एंड सिग्नेचर रिक्वायर्ड है. डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है आपका JPG, JPEG. मिनिमम साइज फॉर फोटो इज 10 KB एंड मैक्सिमम इज 100 KB. फॉर सिग्नेचर
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज़ जेपीजी जेपैक, मिनिमम साइज इज़ 4 KB एंड मैक्सिमम 100 KB। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो फाइल चूज करके। वंस अपलोडेड सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। मेक श्योर दैट यू रिव्यू ऑल दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर द फाइनल सबमिट, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू डू एनी चेंजेस, एनी इन्फॉर्मेशन एडिट करना अगर आप चाहते हो, सो यू कैन यूज़ ऑल द लिंक्स जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। लेफ्ट साइड मेन्यू बार पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू वेरीफाई मोबाइल नंबर इज़ वेल। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस शो हो जाएगा दैट योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। मेक श्योर सारे डिटेल्स चेक करके यहाँ पे आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। एंड सारी डिटेल्स जो आपने यहाँ पे फिल की है वो चेक, वो करेक्ट है एंड आपने वेरीफाई की है, उसके लिए आपको सारे ऑप्शन टिक करने हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दी फाइनल सबमिट। एंड दिस इज़ हाउ दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट की थी। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा दैट हमें 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। सो सिंपली आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको जो है पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी कंप्लीट करनी है। सो दिस इज़ हाउ आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेक श्योर आप अपना टाइम आराम से लो, एक एक ऑप्शन अच्छे से देखो। डॉक्यूमेंट जो है आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड बाकी सारी डिटेल्स, आपकी मार्कशीट्स आप लेके बैठो, सो दैट आप चेक करके अपने फॉर्म में सारी डिटेल्स फिर कर सकते हो। करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन अप होगा, वहाँ पे से भी आप अपनी डिटेल्स जो है चेंज कर सकते हो। आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए भी काफ़ी लंबे समय का टाइम है, सो मेक श्योर आप फॉर्म फिल कर लो आराम से एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सके। रही आपकी प्रिपरेशन की बात, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन है 11 मई 2024, सो टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका टाइम आपके बोर्ड की प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन में भी जाने वाला है एंड आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन में भी लगने वाला है। सो प्रिपरेशन आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करने, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल है ये सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ईजिली पता चल जाएगा आपको प्रिपेयर कैसे करना है। वीकली आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, आपको कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करने हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जो है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आराम से आप क्लियर कर लो। अगर आपको सेक्शन में कैसे प्रिपेयर करना है, सेक्शन वाइज विच इज़ लॉजिक, जीके, क्वांट, इंग्लिश, कैसे आप उनके श्योर शॉट स्कोर उसमें बन सकते हैं, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, कैसे आप 25+ का टारगेट स्कोर लेके चल सकते हो लॉजिक के सेक्शन में, सो ये सारे वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा यू कैन सिंपली विजिट आर वेबसाइट विच इज़ manuvaredu.com। सिंपली आपको बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है, होटल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गेट कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स विच इज फुल कोर्स बुक्स, सेक्शन कोर्स, मॉक टेस्ट। अगर आप हमें लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिंपली आपको फुल कोर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो गेट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हैंड आउट्स, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको यह पैकेज मिल जाता है। व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, यू गेट 500+ वीडियो लेक्चर्स, हैंड आउट्स एंड मॉक टेस्ट। सिलेबस पे क्लिक करके आप देख सकते हो आप कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवरअप हो रहा है। फैकल्टीज आपको कंप्लीट प्रिपेयर करवा देगी, फैकल्टीज जो है हर साल NCERT CET JEE के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करती है, सो कौन सा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस जो है कम समय में डिकोड कर सको। स्पेशली इंग्लिश की जब हम बात करें तो इंग्लिश यहाँ पर डोमिनेटिंग सेक्शन है, उसके लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन सारे टॉपिक्स को लेकर होने वाली है, सो बेसिकली बेसिक टू कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन आप इसलिए सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिक्स भी कवर अप होने वाले हैं। सो कितने भी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, टाइम काफ़ी कम है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, सो हियर यू ऑल सॉल्व 10,000+ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आपके बेसिक्स भी यहाँ पे एंड फंडामेंटल्स भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मिड वे है, हाफ वे थ्रू प्रिपेयर हो गए हैं, आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर्टिकुलर लिंक पर जाना है एंड यहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको 10 सेक्शनल एंड 10 फुल लेंथ मॉक मिलते हैं। मॉक जो है क्लोजेस्ट है आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन से। आप हमारे प्रीवियस टॉपर्स के पॉडकास्ट के वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, सो वो सारी चीज़ें पर काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू मेक यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।